पाव भाजी बनाओ और उसमें स्वाद ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता। पाव भाजी जब तक भरपूर स्वाद के साथ ना हो, गर्मा गर्म ना हो, अच्छी नहीं लगती। अब पाव भाजी अच्छी कैसे बनेगी, उसमें स्वाद कैसे आएगा? वो आएगा शाम मसाले के, पाव भाजी मसाले से। अगर आपको नहीं आती है तो देखो, इसमें पूरी की पूरी विधि लिखी है बनाने की। अगर आप अकेले रहते हैं, कभी आपने बनाई नहीं है, ट्राई करने का आप सोच रहे हैं, तो शाम मसाले के पाव भाजी मसाले के साथ ट्राई करिएगा। इसमें पीछे की तरफ बैक साइड में कैसे आपको पाव भाजी बनानी है पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो चलिए, आज इसी के साथ बना रही हूँ मैं पाव भाजी, और वो भी एकदम गर्मा गर्म होगी मक्खन के साथ, शाम के पाव भाजी मसाले के साथ। 2 चम्मच घी ले रही हूँ, दरदरा लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और ये प्याज। पहले इनको अच्छे से भून लेते हैं। तो मैंने आलू के साथ यहाँ पे फूलगोभी, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्ची, ये सारी सब्जियाँ लेके इसको बॉईल कर लिया है। और मेरे साथ ये है कि मैं आलू थोड़ा कम ही रखती हूँ, जो बाकी की सब्जियाँ होती है, बल्कि वो ज़्यादा होती है, कह सकते हैं बराबर का प्रपोर्शन होता है आलू और सब्जियों का, तो ही पाव भाजी अच्छी बनती है। चलिए, तो ये सारी उबली हुई है नमक के साथ, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो चलिए देखिए, इसको मैंने अच्छे से मैश किया है। साथ साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शाम का पाव भाजी मसाला, एकदम 3 चम्मच मैंने भर के लिया है। थोड़ा सा नमक पहले भी ऐड किया हुआ है और मसाले में भी है, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च तिखास के लिए, हल्का सा हींग ले रही हूँ क्योंकि आलू है। बस चलिए, सब चीज़ों को कर देते हैं मिक्स, 5 मिनट पकने देते हैं। मैं टमाटो पेस्ट हमेशा ऊपर से ऐड करती हूँ, ये कच्चा टमाटर का पेस्ट है। चलिए, इसको भी मिक्स कर लिया और अब इसको हम छोड़ते हैं 5-7 मिनट पकने के लिए। चलिए, इसको अच्छे से ये हो चुकी है, इसको एक बार और मिक्स कर लेते हैं। सो दिस इज येलो बटर, थोड़ा सा हरा धनिया एंड दैट्स इट। सो इसको अब सर्व करते हैं। पाव भाजी बनके तैयार हो चुकी है। वैसे इस मसाले की में सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मैंने नमक और लाल मिर्च क्योंकि हल्का सा अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं वही ऐड किया है, थोड़ी सी हींग क्योंकि आलू था, बाकी इसके अंदर हींग, सारी चीज़ें ऐड हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये मसाले पूरी साफ़ सफाई के साथ बनाए जाते हैं, पूरी प्योरिटी और शुद्धता का इसमें भरपूर ध्यान रखा जाता है। तो मैं अपने घर में यूज़ कर रही हूँ शाम के मसाले, आप क्या कर रहे हैं? पाव भाजी बनाइए, चखिए और फिर बताइएगा।